गिरधारी, मुरलीधर, कन्हैया, जगन्नाथ, जितने नाम कान्हा के उतने ही उनके चमत्कार। भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण के जन्म के साथ ही उनकी लीलाओं का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसी प्रभु लीलाएं हैं जिन्हें सुनकर भक्त स्तब्ध रह जाते हैं। वैसे प्रभु को समर्पित धार्मिक स्थल विश्व के हर कोने में है, लेकिन पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक ऐसा पवित्र स्थल है जिससे जुड़े कई चमत्कारिक रहस्य आपको आश्चर्य में डालने के लिए काफी है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर, ये भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है, जो भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है। श्री जगन्नाथ नमो नमः। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के चार धाम में से एक गिना जाता है। मंदिर में जगन्नाथ श्री कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति स्थापित है। हिंदू धर्म में खास स्थान रखने वाले इस मंदिर से जुड़े रहस्यों से आज हम पर्दा उठाएंगे। उल्टा लहराता ध्वज। जगन्नाथ मंदिर के गुंबद के ऊपर लगा भव्य ध्वज हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। हवा जिस ओर बहती है, ये ध्वज उसके विपरीत दिशा में लहराने लगता है। वैज्ञानिकों ने इस राज को जानने की कई कोशिशें की, लेकिन असफल रहे। प्रतिदिन संध्या काल में इस ध्वज को बदल दिया जाता है। सुदर्शन चक्र। मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र संपूर्ण पूरी शहर से दिखता है, लेकिन खास बात तो ये है कि ये चक्र हर दिशा से सामने ही दिखता है। दुनिया के सबसे भव्य और ऊंचे मंदिरों की लिस्ट में शुमार ये मंदिर 400,000 वर्ग फुट में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। आपने आज तक हर स्मारक, हर धार्मिक स्थलों के आसपास भारी तादाद में पक्षियों को विचरते देखा होगा, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहां एक भी पक्षी नहीं उड़ते और ना ही मंदिर के गुंबद पर आकर बैठते हैं, जिसकी वजह आज तक कोई नहीं जान पाया। समुद्र की आवाज। मंदिर का निर्माण इतनी खूबसूरती से किया गया है कि भक्तों को मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज तक नहीं सुनाई देती और वो बिना किसी विघ्न के प्रभु का ध्यान करते हैं। लेकिन मंदिर परिसर के बाहर आते ही समुद्र की आवाज स्पष्ट तौर पर सुनाई देती है। भगवान कृष्ण के इस चमत्कारिक मंदिर से जुड़े यही रहस्य उन्हें विश्व में स्थापित सभी धार्मिक स्थलों से अलग और खास बनाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा भी इसी मंदिर के प्रांगण से शुरू होती है और जगन्नाथ यात्रा के नाम से विश्व भर में प्रचलित है। यदि आप भी इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो पुरी आना ना भूले। NMF न्यूज की रिपोर्ट।